लाए, वेद पुराणों से लाए, से करने जन कल्याण। खोज खोज पूरा पढ़ डाला, रामचरित से हमने निकाला। आचार्य राज मिश्रा देंगे हर मुश्किल का समाधान। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जो कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। नमस्कार, इसी सुविचार के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है मानस ज्योतिष ज्ञान, और मैं हूँ आपके साथ मोहिनी। दर्शकों, सुबह सवेरे का वक्त हो चला है और हम भी हाजिर हो गए हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान के साथ, और आपको बताने के लिए कि किस तरह से आपके जीवन की सारी समस्याओं को श्री रामचरित मानस की सिद्ध चौपाइयों के माध्यम से निजात मिला सकते हैं। तो इन्हीं तमाम जानकारियों के लिए और आपके सारे प्रश्नों के उत्तरों के लिए हमारे साथ हर बार की तरह इस बार भी स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री रामचरण अनुरागी आचार्य श्री राज मिश्रा जी। तो आइए आचार्य जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। मैं भगवान राम से प्रार्थना करता हूँ कि इस कार्यक्रम को देखने और सुनने वाले सभी दर्शकों पर उनका शुभ आशीर्वाद बना रहे, ताकि आप सभी का जीवन समस्त प्रकार की सुख समृद्धियों से परिपूर्ण हो। बिल्कुल दर्शकों, इसी मंगल कामना के साथ कार्यक्रम को शुरू करते हैं, और आपको बताना चाहूंगे अगर आप प्रभु रामचंद्र जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं यानी श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्थान के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पे लगातार नंबर चलाए जा रहे हैं। अगर आप अभी जुड़ना चाहते हैं कार्यक्रम से तो टीवी स्क्रीन पे लगातार नंबर चल रहा है, उस पे कॉल करके कार्यक्रम से जुड़कर आचार्य जी से अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य जी, सबसे पहला प्रश्न मेरा ये रहेगा कि शादी एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है हमारे समाज में। माता पिता बहुत परेशान रहते हैं कि उनके बेटे या बेटी की शादी क्यों नहीं हो पा रही है, उसमें विलंब क्यों हो रहा है। तो क्या हम हस्तरेखा और ज्योतिष के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? मैंने हर कार्यक्रम में यह शब्द कहा है कि ज्योतिष वेद का छठा अंग है, वेद की दृष्टि है, मार्गदर्शन है, आने वाले समय में हमारे साथ क्या होने वाला है, किस प्रकार की परिस्थितियां हमारे साथ घटित होंगी, इन सभी चीज़ों को हम ज्योतिष के माध्यम से समझ सकते हैं और श्री रामचरितमानस के माध्यम से इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। मैंने श्री रामचरितमानस के माध्यम से समस्याओं को दूर करने के लिए क्यों कहा, आप लोगों को पता होगा, एक उदाहरण आता है। महाराज जनक माता जानकी की शादी को लेकर के बहुत परेशान हैं, और एक समय तो उन्होंने ये शब्द कहा कि तजहु आस निज निज गृह जाहूं लिखा न विधि वैदेहि विवाहूं। कहते हैं कि मेरी पुत्री के जीवन में शादी लिखी ही नहीं है, इस प्रकार के प्रश्न तक कर डालते हैं महाराज जनक। लेकिन वहीं पर जब भगवान राम धनुष तोड़ने के लिए तैयार होते हैं, माता जानकी की शादी होती है, तो सारा जो माहौल है वो खुशियों से झूम जाता है। तो यदि भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त हो तो हमारे जीवन में शादी को लेकर के दिक्कतें नहीं प्राप्त होती हैं। हस्तरेखा के माध्यम से या जन्म कुंडली के माध्यम से शादी के विषय में कैसे जाना जा सकता है? जन्म कुंडली का सप्तम भाव मैरिज का भाव होता है, और जैसा कि लड़की के लिए बृहस्पति और लड़के के लिए शुक्र की परिस्थिति देखना महत्वपूर्ण है, वहां से हम शादी के विषय में पूर्णतः विचार कर सकते हैं। लेकिन यदि हम हस्तरेखा की बात करें तो हस्तरेखा पर बहुत सारे अलग अलग मार्गदर्शकों का मत रहा है। कोई विवाह रेखा यहाँ से देखने के लिए कहता है, कोई यहाँ से, लेकिन जो वास्तविकता है वो शादी सदैव यहाँ से देखी जाती है। शादी के लिए यहाँ पर रेखा मौजूद होती है। यहाँ पर शादी में विलंब, आज मैं पूरे विस्तृत बात पर चर्चा नहीं करूँगा, सिर्फ विलंब होने का कारण क्या होता है उस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। जैसा कि अगर यहाँ पर जो विवाह की रेखा है वो यहाँ से प्रारंभ होती है, ऊपर आकर के चिमटे जैसे आकार की हो, जैसा चिमटा होता है रोटी बनाने वाला, उस आकार की यदि विवाह रेखा हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में जातक या जातिका की शादी बहुत विलंब से होती है।
दूसरी परिस्थिति जी, ये शादी की रेखा हृदय रेखा के, इस रेखा के जितनी नज़दीक होगी उतनी शादी जल्दी होगी, और जितनी ये कनिष्ठा उंगली के पास होगी यानी जितनी इससे दूर होगी उतनी शादी विलंब से होगी। ये दूसरी प्रक्रिया है। तीसरी प्रक्रिया, यदि विवाह रेखा यहाँ से निकल करके सूर्य क्षेत्र तक आए और सूर्य रेखा को काटती हुई या सूर्य रेखा के साथ मिलकर के द्वीप जैसा चिन्ह का निर्माण कर ले, एक दीपक जैसे चिन्ह का निर्माण करे, तो ऐसी कंडीशन में पहली शादी तय होकर के टूट जाती है और सेकंड मैरिज होने में बहुत मुश्किल होती है। ऐसी कंडीशन में कई बार सेकंड मैरिज नहीं होती है। चौथी समस्या, अगर शुक्र क्षेत्र से कोई रेखा निकल करके जीवन रेखा को काटते हुए भाग्य रेखा तक पहुंचे, भाग्य रेखा को स्पर्श करे या भाग्य रेखा को काटे, तो ऐसी परिस्थितियों में भी जातक या जातिका की शादी बहुत विलंब से होती, यहाँ तक कि प्रेम संबंध इत्यादि भी बहुत विलंब से होते हैं। तो ऐसी अनेक परिस्थितियाँ होती हैं शादी को लेकर के, हम हस्तरेखा के माध्यम से या जन्म कुंडली के माध्यम से इस चीज़ को जरूर पता कर सकते हैं कि हमारी शादी कब होने वाली है, किस परिस्थिति में होने वाली है, किससे होने वाली है, इन सभी चीज़ों को पता कर सकते हैं। और यदि कोई समस्या है तो उसको हम श्री रामचरितमानस के माध्यम से आसानी से दूर कर सकते हैं। श्री रामचरितमानस की चौपाइयाँ हमारे जीवन के प्रत्येक दुख को दूर करने के लिए बहुत ही उत्तम हैं, सिर्फ उनका सही तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए। श्री रामचरितमानस की चौपाई का सही प्रयोग हमारे जीवन की अनेक बाधाओं को दूर करके हमारे जीवन को सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। बिल्कुल दर्शकों, तो आचार्य जी ने बताया कि किस तरह से प्रभु रामचंद्र जी के आशीर्वाद से आप अपने शादी में हो रहे विलंब को कम कर सकते हैं और जल्द से जल्द शादी कर सकते हैं। इसी के साथ बताना चाहूंगी कि अगर व्यक्तिगत रूप से आचार्य जी से मिलकर हस्तरेखा या फिर कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो संस्थान के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर चलाए जा रहे हैं। आचार्य जी कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी हेलो, जय श्री राम जी। जय श्री राम भैया, कैसे हैं आप? कृपा है आपकी। जी बताइए क्या बात है। गुरु जी मैं प्रदीप बोल रहा हूँ, परेशान हो जाता है। क्या बात है, डेट ऑफ बर्थ बता देंगे प्लीज मुझे? 15 मुझे पता है आप ज़्यादा परेशान हैं। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, संस्थान में फ़ोन करके आप एक बार अपनी परेशानी को बता दें। मैं उन सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा जो लोग कार्यक्रम में कॉल करते हैं और कार्यक्रम में आपकी कॉल नहीं लग पाती है या कार्यक्रम में आपकी मेरे से बात नहीं हो पाती है, और कई बार एक और दिक्कत होती है, आप लोग कार्यक्रम में कॉल करते हैं तो अपनी पूरी बात आप टीवी चैनल के माध्यम से नहीं रख पाते हैं, और यहाँ भी समय अभाव के कारण मैं पूरी तरह आपको संतुष्टि प्रदान नहीं कर पाता हूं। तो मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, संस्थान आपका है, सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक संस्थान में विशेषज्ञ हमारे मौजूद होते हैं। आप उनको कॉल करके सिर्फ अपनी डिटेल नोट कराते हैं, वो आपके बारे में, क्योंकि हर व्यक्ति से चर्चा करना थोड़ी मुश्किल होती है, तो आपके बारे में पहले मुझसे चर्चा करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि गुरु जी ने आपको ये उपाय बताया है, गुरु जी ने आपको ये तरीका बताया है, गुरु जी ने आपको ये फ्यूचर बताया, आपका ऐसा होने वाला है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, और मुझसे भी आप बात कर सकते हैं, अगर मैं फ्री होता हूं तो निश्चित रूप से आप लोगों से बात करता हूं। सुबह 8 से लेकर शाम 4 बजे तक कॉल करके आप मुझसे बात कर सकते हैं, और यदि व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं तो भी संस्थान में आकर के मिल सकते हैं। बिल्कुल दर्शकों, कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी कॉल यहाँ पर नहीं लग पाती है, और लग जाती है तो कॉल कभी कभी बीच में कट हो जाती है, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप टीवी स्क्रीन पर संस्थान का नंबर फ्लैश किया जा रहा है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, आचार्य जी से जुड़ सकते हैं, और उससे जुड़ने का समय है 8 बजे से 4 बजे तक। आप 8 से 4 बजे के बीच में कभी भी कॉल कर सकते हैं, आपको जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान आपको बिल्कुल दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप आचार्य जी से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं तब भी आप उनसे जुड़ सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, मिलकर अपनी सारी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। लखनऊ और पुणे के जातक हैं वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर चलाए जा रहे हैं क्योंकि आचार्य जी आपके शहर में आ रहे हैं। अब वक्त हो चला है पहली 3 राशियों के बारे में जानने का। प्रथम राशि मेष के लिए आज की परिस्थितियां बहुत उत्तम है, मन में प्रसन्नता रहेगी, जो कार्य बिगड़ रहे थे वो कार्य बनेंगे, पति पत्नी के आपसी संबंध आज बेहतर होंगे। आज आपके लिए 2 का अंक बहुत बेहतर है, नीला रंग बेहतर है, शुभ समय रहेगा। सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक का दिन आपका बेहतर तरीके से व्यतीत होगा।
राशि वृश्चिक के जातक की बात करें तो भी दिन आज आपके लिए अच्छा है। आप नौकरी कर रहे थे, सीनियर अधिकारियों का सपोर्ट नहीं प्राप्त हो रहा था, आज जरूर प्रयास करेंगे, आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। नई नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आज का किया गया प्रयास आपका सफल होने वाला है। 4 का अंक और सफेद रंग बेहतर रहेगा। शुभ समय होगा दोपहर को 12:20 से लेकर 2:30 तक का, दिन आपका बेहतर तरीके से व्यतीत होगा। राशि मिथुन के जातक, आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होने से अपने आप को बचाना होगा। अत्यधिक आत्मविश्वास सदैव घातक होता है, इसलिए कोई भी इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं, कोई मुख्य कार्य करने जा रहे हैं तो अपने बड़ों से राय लेकर कार्य करें, सफलता प्राप्त होगी। आज आपके लिए 5 का अंक और लाल रंग बेहतर रहेगा। शुभ समय आज आपके लिए है 9 से लेकर 9:30 तक का, दिन आपका बेहतर तरीके से व्यतीत होगा। बिल्कुल दर्शकों, तो आचार्य जी ने पहले 3 राशियों के बारे में बता दिया है, आगे की 9 राशियों के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उससे पहले आप बताना चाहूंगे, अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है तो प्रभु रामचंद्र जी के आशीर्वाद यानी श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच आप मंगवा सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, संस्थान के नंबर पर संपर्क करके आप अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं जिससे कि आपको श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच जल्द से जल्द मिल जाए। दर्शकों, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ जी हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल, आचार्य जी सुन रहे हैं। हेलो हेलो आचार्य जी, प्रणाम। जय श्री राम भैया, कैसे हैं आप? बस बढ़िया आचार्य जी। जी बताइए आचार्य जी, मेरे को ये पूछना था आपसे कि मेरा जो विदेश का टूर है वो कब तक लगेगा? जी क्या नाम है आपका? आचार्य जी मेरा नाम धीरज कुमार है। धीरज जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 30/7/1992। 30 जुलाई 1992। जी जी। टाइम बता दीजिए। 9:30 बजे। सुबह या शाम को? बिहार। सुबह या रात को? सर रात को। 9:30 बजे रात को। बिहार में कहाँ पर जन्म हुआ है? बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट। बेगूसराय में जन्म हुआ है। जानना चाहते हैं कि आपकी विदेश यात्रा कब होगी? जी सर। जी, जैसा कि बताना चाहूंगा कि आपका जो जन्म हुआ है मीन लग्न में हुआ है और लग्न के स्वामी बृहस्पति जन्म कुंडली के 6ठे भाव में आकर के विराजमान है। जन्म कुंडली के 4th भाव में केतु और 10म भाव में राहु विराजमान है। अगर हम विदेश यात्रा को, हाँ सफलता जरूर आपको स्वदेश में नहीं प्राप्त होनी है, सफलता विदेश में जरूर प्राप्त होनी है, लेकिन यदि हम वर्तमान परिस्थिति में बात करें तो कहीं भी आपकी कुंडली के अंतर्गत विदेश यात्रा का योग नहीं बन रहा है। 2019 अप्रैल से पहले आपकी विदेश यात्रा का योग बने, इसके चांसेस बहुत मुश्किल हैं। यदि फिर भी पहले आप चाहते हैं कि विदेश यात्रा कहीं से बने, देखिए प्रयास करना हमारा कर्म है। ज्योतिष में एक जो विषय हमें दर्शाया गया है, कोई भी समस्या बनी है तो उसका समाधान बना हुआ है, हमें उसके लिए एक अच्छा प्रयास करने की आवश्यकता होती है। वैसे आपकी यात्रा 2019 में है, लेकिन यदि जल्दी करना चाहते हैं तो भगवान राम की शरण में जाएं। श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड का दोहा नंबर 52 से लेकर 55 तक का नियमित रूप से पाठ करें। भगवान राम के आशीर्वाद से जरूर आपकी विदेश यात्रा होगी। यदि आप पाठ नहीं कर पाते हैं तो संस्थान में फोन करके श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच लेकर के गले में धारण कर लीजिएगा, भगवान के आशीर्वाद से आपकी विदेश यात्रा हो जाएगी। बिल्कुल धीरज जी, तो जो भी आचार्य जी ने उपाय बताए हैं, चौपाइयाँ बताई हैं, निश्चित ही आपकी जो भी समस्या है वो पार हो जाएगी। इसी के साथ दर्शकों को बताना चाहूंगे, अगर आप प्रभु रामचंद्र जी की शरण में आना चाहते हैं यानी कि श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच पाना चाहते हैं, उसकी शक्ति का आप उपयोग करना चाहते हैं, लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप टीवी स्क्रीन पे संस्थान का नंबर फ्लैश किया जा रहा है, आप उस पे कॉल करके श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच मंगवा सकते हैं और श्री रामचरितमानस सिद्ध रत्न मंगवा सकते हैं, रुद्राक्ष मंगवा सकते हैं, जिससे आपकी जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाए। आचार्य जी वक्त तो चला है आगे की 3 राशियों के बारे में जानने का। चतुर्थ राशि कर्क के लिए आज की परिस्थितियां बहुत ही अनुकूल हैं, मन में प्रसन्नता रहेगी, जो कार्य बहुत दिन से बिगड़ रहे थे वो कार्य आज बनने वाले हैं। कुछ कॉम्पिटिटर हैं आपके व्यापार में या आपकी नौकरी में, वो आपको नुकसान पहुंचाने का आज प्रयास करेंगे। आज माता को प्रणाम करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, भगवान राम की आराधना कीजिएगा। 2 का अंक लाभप्रद रहेगा, पीला रंग लाभप्रद रहेगा। शुभ समय आज आपके लिए होगा 10:30 से लेकर 11:30 बजे तक का, दिन आपका बेहतर तरीके से व्यतीत होगा। बात करते हैं राशि सिंह के जातक के बारे में। स्थिर प्रकृति की राशि है, आज आपका स्वभाव काफी शांत रहेगा, आज जो सोचने की प्रक्रिया है वो काफी स्लो रहेगी, आज ही स्पीड से सोचना होगा ताकि आपके जो कार्य बिगड़ रहे थे वो आज बना सकें। आज कार्य बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। केसर का टीका लगा करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। आज आपके लिए 5 का अंक और नीला रंग लाभप्रद रहेगा। शुभ समय आपके लिए होगा 1 से लेकर 2 बजे तक का, दिन आपका बेहतर तरीके से व्यतीत होगा।
राशि कन्या के जातक की अगर हम बात करें तो भी परिस्थितियां आज की बहुत अच्छी हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है, कोई कार्य कर रहे हैं तो जब तक वो कार्य पूरा ना हो जाए तब तक किसी और से उसके बारे में बहुत कम डिस्कस करें, या डिस्कस करें तो उसी से करें जिस पर आपको पूरा विश्वास हो, क्योंकि आज आपके किए हुए कार्य का फायदा कोई और व्यक्ति उठा लेगा जिससे कि आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। आज आपके लिए 3 का अंक लाभप्रद है, हरा रंग लाभप्रद है। शुभ समय आपके लिए होगा शाम का 4:30 से लेकर 5:30 बजे तक का, दिन आपका बेहतर तरीके से व्यतीत होगा। तो आचार्य जी ने 6 राशियों के बारे में हमें बता दिया है, आगे की 6 राशियों के बारे में भी और जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आप दूर दराज के क्षेत्र में रहते हैं, आपका आश्रम में आना, संस्थान में आना संभव नहीं हो पा रहा है, तो आचार्य जी आपके शहर में आ रहे हैं, लखनऊ के जातक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर चलाए जा रहे हैं, और साथ ही साथ अगर आप अपनी हस्त रेखा दिखवाना चाहते हैं या फिर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तब भी आप व्यक्तिगत रूप से आचार्य जी से मिल सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर संस्थान का नंबर संपर्क हो रहा है, वहाँ पर आप कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं। आचार्य जी कॉलर जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो आचार्य नमस्कार। जय श्री राम भैया, कैसे हैं आप? आचार्य जी मैं विवेक बोल रहा हूँ गुड़गांव से। जी विवेक जी बताइए। आचार्य जी मैंने आपका रामचरितमानस सिद्ध कवच धारण किया हुआ है। जी बिल्कुल। हाँ तो मुझसे मेरे को बहुत ही फायदा हुआ है, और अभी मेरा कोर्ट का एग्जाम भी क्लियर हो गया है। चलिए बहुत सुंदर तो है, भगवान राम। मैंने आपको शुभकामना के लिए ही फोन किया था कि मेरे आपका बहुत ही फायदा हुआ है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे बताया श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच धारण करने से आपको इतना सुंदर लाभ की प्राप्ति हुई है, और वाक्य में होती भी है। भगवान राम का शुभ आशीर्वाद है, मुझे तो शुरू से इस चीज़ का अनुभव रहा है। कोई भी चीज़ मैंने ऐसे ला करके आप लोगों को नहीं प्रदान किया है, श्री रामचरितमानस को पहले मैंने अपने खुद के जीवन पर प्रयोग किया है। जब भगवान के आशीर्वाद से मुझे लगा कि ये बहुत ही परिवर्तन करने के लिए उपयुक्त है जीवन में, तब मैंने उसको श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच का स्वरूप दिया है। आप लोग धारण करते हैं, इतना सुंदर आशीर्वाद आप लोगों को प्राप्त होता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते भी हैं कि भव भेषज रघुनाथ जस सुनहि जे नर अरुणारी तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करें तिसारी। भगवान शंकर की जिम्मेदारी बनती है कि आपके मनोरथ को सिद्ध करें, यदि आप भगवान राम से जुड़ जाते हैं तो। आपने धारण किया है, आपका कोर्ट का एग्जाम क्लियर हुआ है, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा सदैव उनके आशीर्वाद से आप आगे बढ़ते रहें। बिल्कुल दर्शकों, तो हमें बहुत खुशी होती है जब आप हमें कॉल के माध्यम से और मिलकर बताते हैं किस तरह से आपको लाभ मिला है श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच के माध्यम से और आचार्य जी के बताए हुए उपायों के माध्यम से। दर्शकों अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशियां बढ़ जाए, आपका जीवन संपन्न हो जाए, तो आप प्रभु रामचंद्र जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, उनकी शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, उनकी शक्तियों का लाभ उठा सकते हैं जो कि श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच में है, जो कि श्री रामचरितमानस सिद्ध चौपाइयों के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ आपके ग्रहों के माध्यम से उसको सिद्ध किया गया है। तो आप उसको मंगवा सकते हैं, सिद्ध रत्नों को भी मंगवा सकते हैं, रुद्राक्ष भी मंगवा सकते हैं। टीवी स्क्रीन पे संस्थान का नंबर फ्लैश किया जा रहा है, वहां पे आप संपर्क कर सकते हैं और अपने जीवन को संपन्न बना सकते हैं। आचार्य जी वक्त हो चला है आगे की 3 राशियों के बारे में जानने का। कालचक्र की सप्तम राशि तुला के लिए आज की परिस्थितियां आपके अनुकूल हैं, मन में प्रसन्नता रहेगी, जो कार्य बिगड़ रहे थे वो कार्य बनेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर पिता से संबंध आज आपने खराब किया तो जो आपके कार्य रोज बन रहे थे वो बिगड़ जाएंगे, इसलिए आज पिता को प्रणाम करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। विदेश यात्रा करना चाहते हैं प्रयास कीजिएगा, सफलता प्राप्त होगी। आज 6 का अंक लाभप्रद रहेगा, हरा रंग लाभप्रद रहेगा। शुभ समय आपके लिए होगा शाम का 4:30 से लेकर 6:30 बजे तक का, दिन बेहतर तरीके से व्यतीत होगा। हम बात करते हैं राशि वृश्चिक के जातक के बारे में। मंगलकृत राशि है, आज कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहेगा, किसी भी प्रतियोगिता इत्यादि में यदि करने जा रहे हैं, कोई प्रतियोगिता इत्यादि में भाग लेने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छी वाली सफलता प्राप्त होने वाली है, पुरस्कार इत्यादि आपको प्राप्त होगा, समाज में सम्मान की प्राप्ति होगी। 4 का अंक लाभप्रद है, सफेद रंग लाभप्रद है। शुभ समय आपके लिए रहेगा दोपहर 12:20 से 3:30 तक का, दिन आपका बेहतर तरीके से व्यतीत होगा। राशि धनु के जातक सावधान हो जाएं, पति पत्नी के बीच में आज संबंध खराब होने वाले हैं, और खराब होने का कारण होगा कोई ऐसा व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, जिसको आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, तो दूसरे की बातों में ना आए। यदि संबंध में कोई दिक्कत आ रही आपस में बैठ करके चर्चा करें ताकि दिक्कतें उत्पन्न ना हो। आज आपके लिए 2 का अंक लाभप्रद है, पीला रंग लाभप्रद है। शुभ समय आपके लिए होगा 1:20 से 2:30 तक का, दिन आपका बेहतर तरीके से व्यतीत होगा। बिल्कुल दर्शकों, तो आचार्य जी ने 9 राशियों के बारे में हमें बता दिया है, आगे की 3 राशियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। अब वक्त हो चला है विषय पर वापस लौटने का, तो आचार्य जी से और जानकारी प्राप्त करते हैं।
आचार्य जी, जैसे कि आपने बताया कि शादी में विलंब होने से हम किस तरह से उसका निवारण कर सकते हैं, और अभी मैंने कॉल के माध्यम से एक हमारे दर्शक ने हमें बताया कि श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच किस तरह से कार्य करता है, किस तरह से उनको लाभ की प्राप्ति हुई है। अगर किसी व्यक्ति की शादी में विलंब हो रहा है, या फिर वो स्त्री हो या पुरुष, कोई भी हो सकता है, तो क्या श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच धारण करने से उसकी शादी जल्द से जल्द हो पाएगी? विलंब होता क्यों है शादी में? सबसे पहले तो महत्वपूर्ण है उस पूरी परिस्थिति को जानना। उस पूरी परिस्थिति को जानने के बाद फिर यदि श्री रामचरितमानस की चौपाइयों का प्रयोग किया जाए तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में बहुत सुंदर परिवर्तन होता है। शादी में विलंब कब होता है? या हमारे अंदर आकर्षण की कमी हो, या हमारे हमारी जो फेस है या जो हमारी प्रकृति है वो दूसरे को प्रभावित नहीं कर पा रही है। जैसा कि हमारे शरीर के अंदर 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं और 5 कर्म इंद्रियां होती हैं। हम लोग सदैव पूजा पाठ करने से दूर भागते हैं, खासकर युवा वर्ग जो आज का है वो परमात्मा से जुड़ने से थोड़ा सा दूर भागता है, और जब घर के वृद्ध पूजा इत्यादि भी करते हैं तो उसमें सम्मिलित नहीं होता है। पूजा करने से क्या होता है? हमारी जो ज्ञान इंद्रिय है वो जागृत होती है। जब ज्ञान इंद्रिय जागृत होती है तो हमें ये पता चलता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। पूजन करने से, श्री रामचरितमानस की चौपाई का पाठ करने से हमारे शरीर के अंदर एक पॉजिटिविटी डेवलप होती है जो सामने वाले को स्वतः ही हमारी तरफ आकर्षित करती है। जब सामने वाला व्यक्ति आपको देखता है, लड़की या लड़का है कोई, जिनसे भी आपकी शादी की बातचीत चलती है, तो आप में जो आकर्षण है वो आकर्षित करता है, और उससे आपके जो संबंध नहीं जुड़ रहे थे वो संबंध जुड़ जाते हैं। तो श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच को यदि लेकर के हम देखें तो निश्चित रूप से हमारे जीवन की प्रत्येक खराब परिस्थितियों को बेहतर करने का एक सरलतम माध्यम, एक सूक्ष्म माध्यम है। आज और बहुत सारे उपाय हैं जिनको प्रयोग करना बहुत मुश्किल हो पाता है, लेकिन श्री रामचरितमानस की चौपाइयों का आप नहीं श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच धारण करें, आप सिर्फ और सिर्फ श्री रामचरितमानस की चौपाइयों का पाठ करें, लेकिन श्रद्धा पूर्वक करें। भगवान राम कहते हैं, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यदि आप चौपाई का श्रद्धा पूर्वक निर्मल भावना से पाठ करते हैं तो भगवान राम के आशीर्वाद से ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आपके जीवन में संभव ना हो पाए, जिस कार्य को आप ना कर पाए। तो उसको करके, श्री रामचरितमानस की चौपाई का पाठ करके या श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच को धारण करके आप अपनी शादी में आ रहे विलंब को दूर कर सकते हैं, जीवन को बेहतर बना सकते हैं। कई बार एक परिस्थिति होती है कि हम समझ नहीं पाते। एक और चीज यहां बताना चाहूंगा, हमने देखा कि हमारी हस्तरेखा में हमारी जो शादी की रेखा है वो हमारे हृदय रेखा से काफी दूर है, यानी शादी में विलंब होने वाला है। या मैंने बताया था कि शुक्र क्षेत्र से निकल करके जीवन रेखा को काटती हुई कोई रेखा भाग्य रेखा को जाकर के काटती है या भाग्य रेखा को स्पर्श करती है तो शादी देर से होती है। या मैंने बताया कि ऐसी 2-3 परिस्थितियां हैं। अब यहां पर यदि जन्म कुंडली के सप्तम भाव में शनि जैसा ग्रह विद्यमान हो, राहु जैसा ग्रह विद्यमान हो, तो भी शादी हमारी विलंब से होती है। तो यहां पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं। मैंने कई ऐसे मदर फादर को देखा है, कई मां बाप को देखा है जो इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि बच्चे की शादी ना होने के कारण अपने शरीर के अंदर रोग उत्पन्न कर लेते हैं, मानसिक तनाव उत्पन्न कर लेते हैं। आपसे निवेदन करूंगा, परमात्मा ने हमारे जीवन की प्रत्येक परिस्थितियों को लिख रखा है, वो समय पर निश्चित रूप से होनी है। परेशान ना हो, सिर्फ उसके लिए एक अच्छा प्रयास करें। बिल्कुल दर्शकों, तो आचार्य जी ने बताया कि श्री रामचरितमानस की चौपाइयों के माध्यम से किस तरह से अपनी शादी में आ रहे विलंब को दूर कर सकते हैं। तो अगर आपके जीवन में भी कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, तो श्री रामचरितमानस की चौपाइयों का पाठ करिए और आप देखेंगे कि किस तरह से आपके जीवन में जो भी समस्या थी वो दूर हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आप व्यक्तिगत रूप से आचार्य जी से मिलना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, संस्थान के नंबर पर संपर्क करके आप अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं। आचार्य जी, वक्त हो चला है आगे की 3 राशियों के बारे में जानने का। दशमस्थ राशि मकर के लिए आज की परिस्थितियां बेहतर हैं, पर कुछ सावधानी के साथ। वाहन खरीदने जा रहे हैं तो आज ना खरीदें, भूमि खरीदने जा रहे हैं तो सावधानी से खरीदें। आज आपकी वाणी समाज को प्रभावित होगी, इसलिए वाणी का प्रयोग कीजिए, सफलता जरूर प्राप्त होगी। आज आपके लिए 1 का अंक और लाल रंग बेहतर रहेगा। शुभ समय आज आपके लिए होगा 9:00 से लेकर 10:00 बजे तक का। दिन आपका बेहतर तरीके से व्यतीत होगा।
राशि कुंभ के जातक के लिए भी आज समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने का सबसे उत्तम दिन है। आज यदि कोई कार्य ऐसा है जिसमें सीनियर अधिकारियों से बात करके पूर्ण किया जा सकता है, सरकारी क्षेत्र में रुका हुआ है उसको पूर्ण किया जा सकता है, नया व्यापार प्रारंभ करना है तो आज जरूर प्रयास कीजिए, सफलता प्राप्त होने वाली है। आज आपके लिए 7 का अंक और सफेद रंग बेहतर रहेगा। शुभ समय आपके लिए है शाम का 4:30 से 6:30 बजे तक का दिन आपका बेहतर तरीके से व्यतीत होगा। राशि मीन के जातक बहुत दिन से विदेश यात्रा करने की चाह है, बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं लेकिन सफलता ही नहीं प्राप्त हो रही, आज प्रयास कीजिए। आज का किया गया प्रयास निश्चित रूप से आपको सफलता प्रदान करने वाला है। आज आपके लिए 2 का अंक बेहतर रहेगा, लाल रंग बेहतर रहेगा। शुभ समय आज आपके लिए होगा 12:20 से 3:30 तक का दिन आपका बेहतर तरीके से व्यतीत होगा। बिल्कुल दर्शकों, तो आचार्य जी ने कालचक्र की 12 राशियों के बारे में हमें जानकारी दी और दिया कि किस तरह से आज हम अपना दिन व्यतीत करेंगे। तो आचार्य जी ने जो भी अचूक उपाय बताए हैं, जो भी चौपाइयां बताई हैं, उनका पालन करिए। मैं आशा करती हूं आज आपका दिन अच्छे से व्यतीत होगा। अब हम जानेंगे कि आज का विशेष उपाय क्या है। आचार्य जी, आज का विशेष उपाय के बारे में बताइए। विशेष उपाय बहुत ही सुंदर है। आज का विशेष उपाय है, अपने इष्ट देवता जिनको आप सबसे ज्यादा मानते हैं उनका सुबह किसी इंपॉर्टेंट कार्य पर जाने से पहले या घर से निकलने से पहले 5 मिनट ध्यान करना है हाथ जोड़ करके, और उसके बाद अपने कार्य के लिए जाना है। निश्चित रूप से आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। एक और चीज, जिन कन्याओं की शादी में बहुत विलंब आ रहा है या पुरुषों की शादी में या लड़कों की शादी में बहुत विलंब आ रहा है, वो लोग श्री रामचरित, विशेषकर कन्याओं के लिए है, श्री रामचरित्र मानस बाल कांड दोहा नंबर 234 से लेकर 235 तक का पाठ करें। ये वो दोहा है जहां पर माता सीता माता गौरा से प्रार्थना करने जाती हैं अपनी शादी के लिए। माता सीता ने वहां स्तुति की है, वही स्तुति यहां पर मौजूद है। आप उसका पाठ करेंगे, आपको मनवांछित वर की प्राप्ति होगी, वैवाहिक जीवन भी सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रहेगा। बिल्कुल दर्शकों, मैं आशा करती हूँ कि आचार्य जी ने जो भी विशेष उपाय बताया उसका आप पालन करेंगे और आप देखेंगे कि किस तरह से आज आपका दिन व्यतीत होगा और आपके शादी में आने वाले विलंब को भी दूर आप कर सकते हैं। श्री रामचरित मानस सिद्ध कवच को मंगवाकर संस्थान के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर चलाए जा रहे हैं। अगर आप कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो कार्यक्रम से भी जुड़ सकते हैं। अगर आप कार्यक्रम के बाद आचार्य जी से बात करना चाहते हैं तब भी आप बात कर सकते हैं, संस्थान के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। समय रहेगा 8 बजे से 4 बजे तक का। आचार्य जी, आपने हमारे इतना समय दिया, हमारे स्टूडियो में पधारे, इतना अच्छा मार्गदर्शन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।